गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और आपकी मॉर्निंग को और ज्यादा अच्छा और यादगार बनाने के लिए हमने यादगार लोगों को बुलाया है जो आपको हर शो पे नजर नहीं आते हैं। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि आप अमेरिका से अभी आई हुई है ना, मतलब हमने इनको फटाफट पकड़ लिया और बुला लिया अपने शो पे और आपकी यादें हम ताज़ा कराएंगे। मिसबा खालिद यहाँ मौजूद हैं, हुमा अकबर भी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, मैंने ब्रेक की तरफ जाते वक्त खड़ी नींद के नीचे कह दिया, हालांकि खड़ी नींद के नीचे था वो, पता नहीं एक लाइव में होता है ना, कभी कभी कुछ गलत निकल जाता है मुंह से। मैंने कहा ये भी आके मुझे ना डांटे कि खड़ी नीम के नीचे था। बड़ा मशहूर हुआ था वो वैसे, खड़ी नीम के नीचे। आई थिंक वो बटीना ने इतना खूबसूरत गाया था एंड माशाल्लाह शी डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया। अरे मजे की बात ये ना, मिसबा इन्होंने काम इतने कम किए लेकिन वो जितने भी किए ना वो जहन पे नक्श है लोगों के। यही तो बात है, यही तो बात। और आपने भी तो एक्टिंग कम की है लेकिन सारे हिट ड्रामे थे वो, तो फिर पता चल गया ना मिसबा की एक्टिंग भी आती है। और फिर जब मिसबा डायरेक्शन दे रही होती है और कहती है ये एक्टिंग ठीक करो तो एक्टर्स मान जाते हैं कि भाई ये खुद भी तो एक्ट्रेस है ना। हाँ, बस थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है वही काफी है। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में आना, क्या आसान क्या लगता है आपको डायरेक्शन? डायरेक्शन हाँ, हालांकि देखिए ज्यादा काम करना पड़ता है डायरेक्शन में, सारे अरेंजमेंट्स, एडिटिंग, सबकी सबकी बात। अब सब अपनी बात सुनते हैं ना, एक्टिंग में दूसरों की बात सुननी पड़ती है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आपको लग रहा होता है फिर आपके तो मुझे आके थोड़े दिन हुए, दो हफ्ते हुए। अच्छा जी, और बस अम्मी कैसी हैं? इनकी जो अम्मी है मैंने उनके साथ पहला प्ले किया था मेरा घर एक वर्लपूल और उसमें वो मेरी दादो बनी थी, तो मुझे दादो दादो जो है ना याद आ रही है इनको देखकर। कैसी हैं अम्मी? अम्मी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक ठाक बिल्कुल। तो जब आप अमेरिका से आती हैं तो एक प्ले एक आध कर जाया करें, मतलब थोड़ी सी हमारी यादें ये बता के नहीं आती, इतनी जल्दी से एकदम आ जाती है। मैं तो उसको यही कह रही हूँ कि मतलब करो अब तुम, हाँ। करो वापस, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए, हाँ। बताए आपके पास इतना टैलेंट है तो यू शुड यू नो डू इट एंड वी नीड टू। आई वुड लव टू। अब आप ऑन एयर कह रही हैं, सोच लें। अरे बिल्कुल सोच समझ के। एक डायरेक्टर यहाँ बैठी हुई है और प्रोड्यूसर भी तो है ना। हाँ, डायरेक्टर और मैं प्रोड्यूसर भी बैठी हूँ, तो आप ब्लॉक हो गए और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। बिल्कुल जी, आप बुलाए और हम आए कि वो भी असिस्टेंट भी बन जाती हूँ, डेट्स बताएगा। कब तक है यहाँ पे आप? परसों तक। इसीलिए तो कह रही है जी, बिल्कुल नहीं आप बुलाए हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं, आप बुला के तो देखिए वहां से आ जाएंगे। पक्का बात, पक्की बात। बच्चे कितने बड़े हो गए? जवान बच्चे। तो माशाल्लाह आप टेंशन नहीं है? नहीं वो वाली टेंशन नहीं है। मगर जब खाना खत्म होने लगता है तो उनको सबको घर में अम्मा याद आती है। अम्मा याद, अम्मा के हाथ का खाना। आपके बच्चों को भी आदत है कि अम्मा के हाथ का खाना? मैंने ऐसी आदत डाली नहीं कभी, लेकिन आपने बड़ा पैम्पर किया वैसे बच्चों को। मुझे याद है शूटिंग के बीच में भी मिसबा को फिक्र होती थी, स्कूल से मुझे लेने जाना है, ड्राइवर के साथ नहीं छोड़ना, नहीं भेजना, खुद पिक करती, बर्थडे में छोड़ने जाना है तो जरा से लंच ब्रेक हुआ है फौरन छोड़कर आ गई। वहाँ हेक्टिक काम, मैं तो उनको देखती थी ना और आइडियलाइज करती थी कि यार मतलब इतनी माशाल्लाह ये। तो तुमने भी तो यही किया है? हाँ, मैंने भी ऐसा, आप लोगों को देखकर ऐसा किया। बहुत अच्छी बात है। नहीं बताए, एक्चुअली बच्चों को आप लाते हो दुनिया में तो आई थिंक इतना तो आपको करना चाहिए कि बैलेंस रखें। इसलिए तो हम कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो गए, जब बड़े हो जाते हैं ना थोड़े तब पता है, तब बड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्या अच्छा दो थे, उनको अच्छा इंसान तो बना दिया। छह सात हो, आठ हो, नौ, जिनको शौक भी होता है तो उनको नौ को अच्छा इंसान कैसे बनाए पुराने जमाने में? कोशिश तो इतनी ज्यादा होती, पता नहीं पुराने जमाने में शायद हालात अच्छे थे, उनको वो अच्छी किस्म की तरबियत मिलती थी, अच्छे इंसान बन ही जाते थे। अब तो आई थिंक वो इतनी उनका एक्सपोजर गलत किस्म की चीजों का होता है कि उनको अच्छा इंसान बनाना ज्यादा मुश्किल। और महंगाई भी उस वक्त कम थी, आराम से। तो देखे जरा दो बच्चों पर पूरी तनख्वाहें उलट जाती है, इसीलिए माँ बाप बेचारे लगे होते हैं हर वक्त काम करने में, बिकॉज टाइम ही नहीं होता है आपका, वही ना करके बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, आप लोगों ने एक साथ जो प्ले किया है ना जी, उसकी कुछ क्लिप्स हमारे पास, तो हमने कहा जरा लोगों को जरा जोड़ी है ये पुरानी भाई, तो हमने आज इनको शो पे बुलाया है, तो जरा आप चल के देखिए मिसबा खालिद और हुमा अकबर थी आप क्या है? बख्तियार। हुमा बख्तियार जी, जरा पुरानी पुरानी यादें ताजा करें आप। तुम जानती हो मैं खुद तुम्हारी मामा की सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, अपने लोगों के साथ और मैं तुम्हारे साथ मुझे तनहा छोड़ दो। बुरा मान दो, मैं जानती हूँ तुम बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती हो, मगर तुम दोस्त अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए कर रहा है। हाँ जी,
जी देखा ना आपने, यादें ताजा की। ये ड्रामा आपका पहला था शाहीन? जी हाँ है ना। और आपका पहला था कि नहीं? नहीं, मेरा आई थिंक थर्ड प्ले था। आपका थर्ड? मेरा थर्ड प्ले था। और शाहीन कितना अर्सा हो गया? शाहीन 80s में था, 83 में, 83 फरवरी में चला था। हाँ, आपके मुझे ड्रामे याद है, खलीज, कारवां, शाहीन। और आपने कौन से प्ले किए थे? और इंडिविजुअल प्लेस किए थे। सीरियल्स थी ये? सीरियल्स थी जी। और काफी मेरे ख्याल 5-6 इंडिविजुअल प्लेस भी। अपने मियाओं से मुलाकात, आपकी मियाओं ने क्या, कितनी मियाँ से मुलाकात खलीज में हुई थी? खलीज में हुई थी जी। और बता दो मजे की बात। बताइए मजे की बात है, इस खलीज प्ले में इनके अब्बा बने थे। हैं? वालिद साहब से इश्क हो गया था कुछ इनको मैं नहीं। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है जी, करीम जी, करीम बख्तियार, ज़ेबा बख्तियार के भाई हैं जी। हाँ, आपकी भाभी होती हैं? मैं उनकी भाभी हूँ। सॉरी, देखिए फरिश्तों में फंस गई। आप उनकी भाभी हैं? मैं उनकी भाभी हूँ। हाँ, और उसी प्ले में आपका तीसरा प्ले था वो शायद खलीज? खलीज तीसरी सीरियल थी। तीसरी सीरियल जी हाँ। और फिर उसी सीरियल में डिसाइड कर लिया कि मैंने इसी शख्स से शादी करनी है। कर लिया। आपको अच्छे लगे थे? आपने प्रपोज किया था पहले या उन्होंने आपको किया? नहीं नहीं, उन्होंने किया था। उन्होंने किया था। वो जमाना जरा ऐसा था, कुछ हम भी ओल्ड फैशन थे। हाँ। तो जो वो उन्होंने किया था। वो साजिद हसन उनको कोनिया मार के कहते थे ना, सुनो ये लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड लग रही है। हाँ। साजिद मुझे भी ये कहते थे, है ना? साजिद तो मुझे भी, वो अभी भी सुधरे नहीं है। अभी भी वो ऐसे हैं, कोनिया मारने वाले। तो सहर उसका, तुम लोगों की शादी का सहरा फिर उसके सर जाना चाहिए। हाँ, इधर से भी पटाओ, उधर से भी पटाओ, उधर से भी पटा दो, रिश्ते दो, घर मिलवा दो, दो दिल मिलवा दो। तो आपको भी ये कहते, उनको भी ये कहते, मुझे भी ये कहते थे। इंटरेस्टेड लग रही है जरा। पता है क्या होता है, जब आप किसी को पसंद कर रहे होते हो, आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा हो, उसको पता हो कि ये दोनों नहीं इजहार कर पा रहे, तो वो थोड़ा सा ना पुश करते हैं, है ना? बड़ा नेक काम किया, बड़ा नेक काम। खुश है माशाल्लाह, माशाल्लाह। करीम कैसे हस्बैंड साबित हुए? क्या उन्होंने ड्रामे छुड़वाए, आपने खुद ही छोड़ दी? असल में तो जब यहाँ से ही चले गए तो वो खुद ब खुद छूट गए। फिर बच्चों की मज़े, उन्होंने तो कभी नहीं रोका ना। हाँ नहीं, वो कभी नहीं। डॉक्टर है वो? हाँ जी। तो आप क्या करती हैं वहाँ जाके, लाइक कुछ और प्रोफेशन आपने अपनाया या फिर आप हाउसवाइफ बन के रह गई? नहीं, मैं उनकी मेडिकल प्रैक्टिस चलाती हूँ। अच्छा। और ये तो हो गया बहुत ही डे टू डे का बोरिंग काम। हाँ, ठीक है। अकाउंट्स देख लिए, लोगों को कहा जी काम से नहीं हो रहा है। क्यों बना देते हैं मियां? हाँ, लोग बस घर बिठा देते हैं ज्यादा। नहीं, घर नहीं बैठी शुरू में, जब बच्चे छोटे थे वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि आप जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो फिर माँ बाप की, जैसे आप लोग भी कह रहे थे ना कि बिल्कुल पहली प्रायोरिटी थे। तो बच्चे जरा बड़े हुए तो फिर मैंने वो काम संभाला। उसे ये जाहिर है उनकी भी हेल्प हो जाती है थोड़ी, और उनसे मुलाकात भी वहाँ पे हो जाती है। तो ये और उस, लेकिन मैंने फिर कोई 5 साल पहले वहाँ की ज्वेलरी डिजाइनर है टेरी मकार्थी करके, अच्छा, उसके साथ मैंने काम शुरू किया। आपने अपनी ज्वेलरी पहनी है? ये मेरी अपनी नहीं है। अच्छा, अपनी नहीं है। क्या डिजाइनिंग करती थी आप? क्या कर रही हूँ? डिजाइनिंग कर रही हूँ, और एक्चुअली उसके बनाना भी उसने सिखाई है। अच्छा। तो अच्छा। मैंने हाँ वहाँ पे यूजली ज्वेलरी के मास्टर्स और यू नो बैचलर्स के भी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होते हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी तो नहीं ज्वाइन की, इसका अपना स्टूडियो है और वहाँ पे उनके साथ काम किया। ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए, है ना? पता है, क्योंकि पता है ऑप्शंस बहुत होनी चाहिए। हाँ। मुझे होता है कि पाकिस्तान में सबको इतनी ऑप्शंस हो कि आप घर बैठे ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ाएं, वैसे भी कुछ ना कुछ ना, मैंने यू क्रिएटिव होते हो ना आप, लाइक इतने क्रिएटिव हो, आपका क्रिएटिविटी लाइक, फर्नीचर भी बनाती थी मुझे याद है, कमरे का फर्नीचर भी जो था ना उस जमाने में खुद बनाया था। जब ये एक्टिंग करी थी, जब ये एक्टिंग करी थी, मैं इनके जब घर जाती थी उसने फर्नीचर अपना खुद डिजाइन किया हुआ था। यू नो शी इज वेरी टैलेंटेड। तो इसीलिए पर वही होता है कि आगे चल के आपको होता है कि देयर सो मेनी वुमेन हमारे यहाँ भी कि वो सो टैलेंटेड, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हाँ, हाँ। तो अगर हमारे यहाँ भी ऐसी छोटी छोटी जगह हो ना, कितना मजा है, कितना मजा है। औरत शॉर्ट कोर्स करने चले जाए। हाँ। तो फोर्सेस करने की इजाजत तो दे ही देते हैं ना बहुत सारी खवातीन को। अच्छा, पढ़ना चाहती हो, कोर्स करना चाहती हो, घर की बेहतरी है। अगर आपको फर्नीचर डिजाइन करना आ रहा है तो आप अपने घर के माहौल को अच्छा रख सकते हैं, आर्किटेक्ट अच्छा बना सकते हैं ना उसका। अच्छा, क्रिएटिव आउटलेट मेरा ख्याल है कि वो बहुत एक तरह की थेरेपी होती है आपकी, किसी किस्म का भी क्रिएटिव आउटलेट। आप पढ़ाई कर सॉरी गाना गा रहे हो, आप एक्टिंग तो खैर यू नो ये तो बड़े बड़े हुए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन भी करना, और छोटे से ये बहुत आगे भी चली जाती है चीज़ें, सिर्फ घर की हद तक नहीं जाती। घर की औरत खुश होगी तो सारा घर खुश होगी। एक्चुअली सही बात है, बहुत हाँ, घर की औरत खुश होगी तो पूरा तो मियाओ बीवियों को खुश, सास भी खुश, सब खुश। अच्छा, आप दोनों ने एक साथ काम किया, और किन किन डायरेक्टर्स के, मोटे मोटे डायरेक्टर्स के नाम ले दें कि किस किस के साथ काम किया?
देखिए इंट्रोड्यूस तो मुझे मोहसिन साहब ने करवाया था। जी हाँ मोहसिन साहब। और किसके साथ काम किया? और साहिरा काजमी। तो अब एक कॉल ले लेते हैं फिर, अब आप वहाँ तक पहुँच गए मेरे ख्याल से जिनकी कॉल है। और इकबाल साहब, इकबाल अंसारी। जी हाँ उनके साथ मैंने कारवा उन्हीं का था ना। जी हाँ। और खलीज? खलीज साहिरा की थी। अच्छा। कारवा इकबाल साहब का था और इकबाल साहब के साथ फिर मैंने इंडिविजुअल प्लेस भी किए। अच्छा, अभी उनकी कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा से हम कॉल करते हैं। उनकी फेवरेट है। फेवरेट है ना। अच्छा, आपने सायरा के साथ काम किया? मैंने भी सायरा के साथ किया है, काफी काम किया है। लेकिन मैं ज्यादातर मोहसिन साहब के साथ किया है। मैंने इतने प्लेस किए नहीं है, कम किया है, कम किए हैं बहुत। लेकिन जो भी किया है वो नजर आया है ना, देखा है हमने, मतलब रिपीट। चलो अच्छा है ना, रिपीट होते जाते हैं ना, ये तो जमाने का फायदा था ना कि हम टीवी चैनल होते हैं ना। अच्छा है ना। जहीर खान के साथ भी किया, जहीर खान के साथ। अच्छा, आप कहाँ मिली थी अपने मियाँ? मैं अपने मियाँ से कहाँ मिली? आपकी स्टोरी मुझे कभी सुननी है। मैंने कहा आज आ जाए सारे बता दे, सारे सीक्रेट्स आउट है। एक वैलेंटाइन पार्टी पे। अब ये देखें, हेडिंग उन्होंने बता दी कि ये मिली वैलेंटाइन पार्टी। हाँ। उस पार्टी पे क्या क्या हुआ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो सस्पेंस अभी बाकी है। आप फिर रहना हमारे साथ और मिसबा खालिद के बारे में हम बताएंगे कि ये अपने मियाँ से जब वैलेंटाइन पार्टी पे मिली तो क्या हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद भी। जॉन माइकल को मैंने कत्ल किया है, ये मेरी बहन है, इसकी दिमाग में हालत दुरुस्त नहीं है, इसकी किसी बात पर तवज्जो ना दीजिए, ये झूठ है, गलत है, ये मेरा इल्जाम अपने सर ले रही है, जॉन माइकल की कातिल मैं हूँ। लेकिन तुम अब तक कहाँ थी? कत्ल के बाद मेरी बहन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, फिर मैं बेहोश हो गई, मेरी माँ मेरी जान बचाना चाहती थी इसलिए उन्होंने बाहर पहरा बिठा दिया था। ये गलत है, इधर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं, ये बीमार है, इसकी हालत दुरुस्त नहीं है, मेरी माँ मेरी जान बचाना चाह रही है, जॉन माइकल को मैंने कत्ल किया है। लेकिन अदालत को सबूत की जरूरत है। ये बेकसूर है, इसमें रबिया की जादू का असर है, मेरी माँ ये समझती है कि रबिया मुसलमान है, इसलिए अदालत इसके बारे में कोई भी गलत बात पर यकीन कर लेगी, लेकिन मैं इस अदालत के सामने ऐलान करती हूँ कि अपनी सौतेली बहन की तरह मुसलमान हूँ। दुआ दी थी ना और ये बात समझाई थी कि मेरी शादी एक मुजाहिद से हो रही है, आपने कहा था तेरा तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है, मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं मुजाहिद बशीर की शहादत पर रो सकती हूँ, नहीं होंगी, नहीं होंगी। मुझे तो लगता है